नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा हैवी साइज की शर्ट कैसे काटी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक हैवी साइज़ की शर्ट काटेंगे और देखेंगे कि एक नॉर्मल साइज़ की कटिंग में और हैवी साइज़ की कटिंग में क्या फ़र्क होता है, हमें किस किस चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल साइज़ की हम शर्ट काटते हैं उसमें सामने से जो हम पट्टी रखते हैं, अगर हम पट्टी का बनानी होती है हमें उसके हिसाब से हम मार्जिन रख देते हैं, प्लेन रखते हैं तो प्लेन के हिसाब से रख देते हैं, करीब 2 इंची में हमारा काम हो जाता है। लेकिन इसमें हमें 3.25 इंची हम इसमें मार्जिन रखेंगे। ठीक, 3.25-3.5 तक हम इसके मार्जिन रख सकते हैं। इनकी लंबाई है 29 से थोड़ा ऊपर हम निशान लगाएंगे सिलाई छोड़कर। ठीक, ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से भी हमें 2.5 इंची पर ही निशान लगाना है। गले का हमें शेप दे देना है। इनका जो गला है वो है 18 इंची गला है। इसके बाद इस जगह से हमें इस तरह से शेप देना है। करीब 0.5 इंच या 0.5 इंच 1 सूत तक हम इसमें जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, और इस तरह से शेप देनी है कि पता नहीं लगे कि इसमें शेप दी हुई है, पट्टी बनने के बाद पता नहीं लगेगा। ठीक, पट्टी इस तरीके से इसकी बन जाएगी। इसके बाद हमारा शोल्डर लेवल के हिसाब से जो हमने चेक किया है, इसका शोल्डर 2 इंची डाउन है, ऊपर से हम 2 इंची पर निशान लगाएंगे। ठीक, इसका जो आर्म होल है वो भी हमें 7.5 इंची डाउन करना है मेजरमेंट के हिसाब से। ठीक, यहां से हमें चौथा हिस्सा लेना है। इनका जो चेस्ट है वो है 45 11/4। हम 11/4 इस इधर से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे जो हमने बढ़ाकर निशान लगाया है। ठीक, और ये हो गया हमारा 1.25 इंची की हम इसमें लूजिंग रखेंगे जो नॉर्मल फिटिंग के लिए काफ़ी होती है। इनका जो शोल्डर है वो 20 इंच है, तो यहाँ से हम 10 इंची पर निशान लगाएंगे। इसमें हम कोई मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके से, इस जगह से। ठीक, इसमें ज़्यादा अंदर खड्डा भी नहीं देना है हमें और इस तरीके से निशान लगा देना है। ये हमारा गले का, शोल्डर का
और आर्मोल का निशान हो गया है। इसको जो हमने नीचे उतारा है वो मेजरमेंट के हिसाब से ही उतारा है। मैंने आपको आर्मोल का जो मेजरमेंट लेना बताया था, यहाँ पर एक हम पट्टी बांधते हैं, उसके बाद ये निशान लेते हैं और ये निशान लेते हैं, ठीक। अब हम आते हैं इसके नीचे, इसका हम हाफ करेंगे, 20 इंची है, 10 के ऊपर डेढ़ इंची ऊपर हम निशान लगाएंगे, उसके बाद इसका भी हम हाफ करेंगे, 4.25, ठीक। पेट के और चेस्ट के बीच में खड्डा होता है, इसका भी मेजरमेंट हमें लेना होता है, तो उसका जो मेजरमेंट है वो है 42, पेट का जो मेजरमेंट है वो 48, हिप का मेजरमेंट है 45, ठीक। चेस्ट 45, 42 खड्डा है, 48 पेट है और 45 हिप है, हो गया। अब हमारे लिए ये निशान तो बेकार है, इससे कोई मतलब नहीं है, इस पे नहीं चलना है, हमें इस निशान से पूरे मेजरमेंट क्लियर करने हैं। 42, 10.5 यहाँ से हमने लिया और 2.25, इसके बाद आता है 48, बारह चौक 48 प्लस 2.25, ठीक। अब आता है हिप, 45 इंची है, 11.25 प्लस 2.25। अब हमारा जो शेप जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, यहाँ से यहाँ और इस तरीके से जाना है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे, एकदम यहाँ खड्डे पर हम नहीं जा सकते, इस तरीके से चलेंगे हम, ठीक। ये हमारा फ्रंट का निशान हो गया। कॉलर का जो हमने, इसका जो गले का निशान हमने लगाया है वो कम लगाया है, इसको भी हम बाद में ही सेट करेंगे, अभी सेट नहीं करेंगे, इसका शोल्डर काटने के बाद। क्या क्या चीज़ें हमने इसमें चेंज की हैं आपको क्लियर हो गया होगा। जो हम नॉर्मल शर्ट काटते हैं वो हम इस जगह पर काटते हैं, और लेकिन जब हैवी साइज आ जाता है जिनके चेस्ट में और पेट में काफ़ी फ़र्क होता है, तो हम इसको आधा है पौना इंच आगे बढ़ा करके इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे, ठीक। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है, इसका जो आर्म होल है हमें कितना डाउन करना है। नॉर्मल फिटिंग में हम क्या करते हैं, चौथा हिस्सा ले लेते हैं चेस्ट का और इसको डाउन करते हैं, लेकिन इसमें अगर हम चौथे हिस्से के हिसाब से चलते हैं तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इसका मेजरमेंट लेना है। जैसे मैंने आपको बता रखा है शर्ट का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, हैवी साइज़ में, हैवी साइज़ हो या कोई भी नॉर्मल साइज़ हो, वो सब में एक जैसा ही काम करेगा। एक पट्टी बना लें और उसको चेस्ट पर लगा देंगे इस जगह पर, बिल्कुल बिल्कुल आर्म होल से टच करके, और उसके बाद आप इसका मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक। खड्डे का मेजरमेंट के हिसाब से हम कर देंगे, ये मेजरमेंट के हिसाब से आ जाएगा, ये मेजरमेंट के हिसाब से आ जाएगा। अच्छा, इनका जो शोल्डर डाउन है वो 2 इंची है, ठीक, लेकिन हम जब इसका शोल्डर काटेंगे तो वो 2.25 पर काटेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा ऊपर से काटेंगे इस जगह से, दूसरी चीज हमने इसमें मार्जिन रखा है 2.25 इंची का, ये एक नॉर्मल फिटिंग के लिए है, ठीक। हमारी जो सिलाई आएगी वो इस जगह पर आएगी, ठीक। अगर किसी वजह से क्लाइंट लूज करवाना चाहता है तो हमारे पास शर्ट में लूज करने की कोई गुंजाइश होती नहीं है, लेकिन हैवी साइज में कुछ पता नहीं होता, अगर हमें बिल्कुल पक्का पता है कि इतनी लूजिंग ही उन्हें चाहिए तो अब हम इसको इस जगह पर काट देंगे। लेकिन अगर हम पहली बार किसी हैवी साइज़ को बना रहे हैं तो हम उसमें इतना मार्जिन छोड़ के काटेंगे, सिलाई तो हम यही करेंगे, ठीक, लेकिन मार्जिन छोड़ देंगे।
इसको हम आधा इंची के आसपास इस तरीके से शेप दे देंगे नीचे से। ये हमारा सामना कट जाता है इस तरीके से। इसमें हमें कितना चौड़ा शोल्डर लगाना है वो हम देख करके ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। इनका जो शोल्डर है वो 20 इंच है। यहाँ से हम पूरा 10 इंची पर निशान लगाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमें शोल्डर कितना बड़ा काटना चाहिए। इसका बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरीके से हमें रखना है। उसके बाद अगर हमारा शोल्डर 2 इंची डाउन है तो हम 4 इंची पर यहाँ से निशान लगाएंगे। इस जगह से हम 4 इंची पर निशान लगाएंगे। इस जगह से भी हम इस जगह से लगाएंगे निशान, इधर से नहीं। ठीक, ये हमारा निशान हो गया। इसके बाद ये जो हमने बैक काटी है इस जगह से, बिल्कुल इसी जगह से हमें निशान लगाना है सीधा बिल्कुल। ठीक, और यहाँ से इसका हम आधा कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 4 इंच है, इसका हम बिल्कुल आधा कर लेंगे। ठीक, अब गला 18 है, इसका हम पांचवा हिस्सा ले लेंगे जो 3.5 के आसपास आएगा। उसमें कमी हमें लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ठीक, बिल्कुल यहाँ से हमें लेना है शोल्डर का नाप लेना है, जो 20 इंची है इनका शोल्डर, तो यहाँ से हम 20 इंची रखेंगे और मार्जिन रखेंगे। ठीक, इस हिसाब से हमारा ये जो शोल्डर है ये हमारा शोल्डर कटेगा इस साइज में बिल्कुल। मार्जिन अलग से हमें छोड़ना है, इसका आधा इंची का मार्जिन छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। अब आते हैं, इसको हमने ऊपर काटा है, ठीक, तो इसको हम थोड़ा नीचा कर देंगे। इतना नीचा रखेंगे हम इसको जितना हमने इसको ऊपर काटा है, इस तरीके से। 2.25 से ऊपर हमें नहीं जाना है, यहाँ हमें 2.25 से ऊपर नहीं जाना है। हमने इसको 2 इंची काटा है, हम इसको 2.25 पर रख देंगे। ठीक, इसको बढ़ा देंगे और इसको कम कर देंगे। हमें बिल्कुल यहाँ आता है ये, हमें इसे इस जगह पर काटना है, इस जगह पर ये हमारी सिलाई हो जाएगी। ठीक, इस तरह से हमें शोल्डर काट लेना है इसका। पहले हम इसका शोल्डर ही काटते हैं। ये शोल्डर हमने बिल्कुल इसके बराबर काट लिया है। ठीक, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा सिलाई में दब जाएगा आधा इंची, इस तरीके से ये। उसके बाद
ये इस तरीके से आएगा। यहाँ तो हमारा बराबर आ रहा है, यहाँ पर हमने इसको छोटा काटा था तो अब हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, इसीलिए हमने इसको छोटा काटा था, इस तरीके से हम इसको शेप दे देंगे। ये हो गया, अब ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, इसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे, इस जगह से हमें सिलाई में दब जाता है। सबसे पहले हम यहाँ से नापेंगे इस तरीके से 4.5, यहाँ से मार्जिन छोड़ के 9 × 18, बाकी आगे का ठोका आएगा, थोड़ा सा हम इसको खींच कर चढ़ाएंगे या थोड़ा सा हम इसको खार भी सकते हैं, मतलब लूज़ नहीं होना चाहिए, 200 छोटा ही रहना चाहिए। ये हो गया हमारा, अब हम इसकी आस्तीन काट देंगे। आस्तीन काटने के लिए जो आस्तीन का ऊपर का हिस्सा होता है उसका चौथा हिस्सा हमें लेना है, जो 11.5 इंची होगा, ठीक है। उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे, 24 इंच इनके आस्तीन है, 24 हम यहाँ रखेंगे, मार्जिन छोड़ देंगे। 2.5 इंची के हम इसमें कफ लगाएंगे, तो 2 इंची पर हम निशान लगाएंगे, ठीक, ये हो गया। इसके बाद मैं इसको आर्म होल को यहाँ से डाउन करूँगा 4 इंची और ठीक, इनके कफ हैं 10 इंची, 5 इंची हो गया, ये एक प्लेट हो जाएगी और ये मार्जिन हो जाएगा। इस हिसाब से हम इसको सीधा निशान लगाएंगे। दूसरा जो निशान लगाएंगे, इसको जो हमने निशान लगाया है इस तरीके से यहाँ रख करके जो सीधा निशान लगाया है ये गलत होता है, इसको हम बाद में ठीक करेंगे, इसको इस जगह रखेंगे और इसको इस जगह रखेंगे, ठीक। कटिंग हम यहां से करेंगे, ये हो गया। सामने की साइड से हम करीब इतना खड्डा दे करके इसको शेप देंगे। बैक साइड में भी थोड़ा सा खड्डा देंगे। इस तरह से ये जो मैंने आपको यहाँ स्केल रख के कटिंग करना बताया है उसको भी समझ लेते हैं। जब हम प्रेस इस ढंग से प्रेस करेंगे शर्ट को इसके सेंटर पे, तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा, उसके बाद हम इसको सीधा कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर हम इसको इसी जगह पर काट देंगे इस जगह पर, तो ये सीधा यहाँ आकर के यहाँ आएगा और हम इसको फिर बढ़ा नहीं सकते किसी भी तरीके से, अभी तो हम इसको सीधा करके काट सकते हैं। कोई भी हैवी साइज़ की शर्ट हो, इससे भी बड़ी हो, आप इसी तरीके से काटिए। मेन चीज़ इसका आप मेजरमेंट ज़रूर ले लेंगे, अगर आपके पास शोल्डर लेवल नहीं है तो उसको डाउनलोड कीजिए और उसी के हिसाब से कटिंग कीजिए, आपकी फ़िटिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी, शोल्डर पे से कहीं पर भी बल नहीं आएगा, ना आगे आएगा ना पीछे आएगा, क्योंकि जो बैलेंस बनता है वो शोल्डर से बनता है, यहाँ से कभी बैलेंस नहीं बनता। अगर हमारा ये टिक और ये चीज़ बिल्कुल सही है तो हमारा बैलेंस कहीं आउट नहीं होगा, सामने से कोई सलवटें नहीं आएंगी ना पीछे कोई सलवटें आएंगी। आज के लिए बस इतना ही, अभी आपने देखा हैवी साइज़ की शर्ट कैसे काटी जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और किसी भी साइज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आसान तरीके से समझाने की। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
गुड बाय।